ज्योति जस्ट द गर्ल, थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। सो आज के वीडियो में मैं सबके साथ शेयर करने वाली मेरे एक्सपीरियंस डेमो रिव्यू खादी के हेयर सीरम का। बहुत टाइम से इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे इसका रिव्यू करने के लिए। फाइनली आज मैं आप सबके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। थोड़ी सी लेट हो गई बट आई एम हियर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करेगा और चैनल पर तो इसी तरीके के ढेर सारे वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करेगा। ऑल्सो आप चाहो तो आप इंस्टाग्राम पे जाके अगर आपकी कोई भी स्किन केयर हेयर केयर ब्यूटी रिलेटेड क्वेरी है तो वो मुझे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे पिक्चर्स के नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आप कमेंट करोगे तो रिप्लाई जल्दी मिलेगा क्योंकि वो मेरे लिए ईजी होता है देखना। तो मेरी इंस्टा आईडी यहाँ के स्क्रीन पे है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो और आपकी क्वेरीज मैसेज कर सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो। एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ खादी नेचुरल के इस हर्बल हेयर सीरम के प्राइस की। तो ये आता है रुपीज 225 का, जिसमें आपको मिल जाता है 50 ml ऑफ प्रोडक्ट। और अगर मैं इसके अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो ऑनलाइन ये अमेजोन पे और नाइका पे अवेलेबल है और ऑफलाइन भी खादी के जहाँ जहाँ स्टोर्स हैं वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। मैंने इसको नाइका से ऑर्डर किया था क्योंकि अमेजोन पे इतने सारे ऑप्शंस बता रहे थे कि मैं कंफ्यूज हो गई, तो मैंने नाइका से इसको ऑर्डर किया था। तो मैं अमेजोन नाइका दोनों का लिंक दे दूंगी आपको, जहाँ बेस्ट डील मिले आप वहाँ देख सकते हो। अगर मैं इसके पैकेजिंग की बात कर लूँ तो इसके साथ में कोई भी आउटर बॉक्स या कार्टन वगैरह ऐसा कुछ नहीं आता। हाँ, यहाँ पे प्लास्टिक की कवरिंग रहती है जिससे पूरा सील्ड रहता है, जिससे आपको लाइक ये इंश्योर होता है कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल नया है, फ्रेश है। और इस तरीके की ट्रांसपेरेंट सी प्लास्टिक की बॉटल है, आप देख सकते हो। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मैंने लगभग इतना इसको यूज़ कर लिया है, 7-8 बार मैंने इसको यूज़ किया है, अप्लाई किया है। एंड यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ये कैप है एंड ये पंप वाली ओपनिंग है जहाँ से आप आपका प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तो ये पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, छोटी सी है, ट्रैवल फ्रेंडली है, लेके मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ, स्पिल वगैरह नहीं होता है। सिंपल सी प्लास्टिक की बॉटल है जिसको आप आराम से कैरी कर सकते हो एंड जो इसका लाइक ओपनिंग है, निकालने वाला सिस्टम है, ये भी काफ़ी सही है। बात कर लूँ अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है साफ साफ कि ये SLS एंड पैराबिन फ्री है, सो दैट्स गुड। और यहाँ पे इन्होंने पूरी की पूरी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मेंशन करी है, तो छोटा सा ही लिस्ट है मैं बता देती हूँ क्योंकि इस टाइप की बॉटल होती है ना तो स्क्रीन पे मेंशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है पिक्चर क्लिक करने में, तो मैं पढ़ के बता देती हूँ। कोकोनट ऑयल है, विजम ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, आमंड ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल, नींबू, मंजिष्ठ और बेस। तो ऐसे तो इन्होंने यहाँ पे ये की इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, ऐसे कोई भी केमिकल आपको नहीं दिखाएगा जब आप बॉटल में पढ़ोगे, बट ये की इंग्रेडिएंट्स है, कीप इन माइंड। और साथ में इन्होंने बेस लिखा हुआ है एंड में, तो बेस में क्या क्या जा रहा है हमें नहीं मालूम है एंड बेस में काफ़ी सारे केमिकल्स जाते हैं। और स्मेल की बात करूँ तो काफ़ी इसके टैल्कम पाउडर या जो पॉन्ड्स के पाउडर वाउडर आते हैं ना, उससे मिलती जुलती स्मेल है, जिससे पता चलता है कि यस, इसमें फ्रेग्रेंस परफ्यूम ये सब ऐड किया गया है एंड बेस में कई सारे केमिकल्स छुपा दिए गए हैं। तो बाकी खादी के प्रोडक्ट्स का मुझे पता नहीं है, बट ये प्रोडक्ट के बारे में मैं कह सकती हूँ कि इट्स नॉट 100% नेचुरल या बिल्कुल केमिकल फ्री नहीं है, बट यस, इसमें SLS एंड पैराबिन नहीं है, तो ये अच्छी चीज़ है। क्लेम्स की बात कर लूँ तो इनका कहना है कि खादी का ये जो हर्बल हेयर सीरम है ये फ्रिज फ्री हेयर के लिए है, बालों को स्मूथ एंड शाइनी बनाता है और डीप कंडीशनिंग करता है, बालों को लाइक एक्सेप्शनली लाइट बनाता है एंड बहुत सारे इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो लाइक बालों को डीप कंडीशन करते हैं, डीप स्मूथनिंग करते हैं। तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि अपने क्लेम्स पर कितना खरा उतरता है। ओके, सो मैं आपको दिखा देती हूँ ये हेयर सीरम अप्लाई करके, मैं बता देती हूँ कि इन्होंने क्या लिखा है कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो इनका कहना है कि अप्लाई सीरम पोस्ट हेयर वॉश, टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सीरम बिटवीन योर पाम्स वेल एंड देन इवनली डिस्ट्रीब्यूट ऑन टू द मिड सेक्शन एंड एंड्स ऑफ हेयर। तो बेसिकली इनका कहना है कि हेयर वॉश के बाद आपको इसको अप्लाई करना है। एंड इन्होंने ऐसा नहीं लिखा है कि आपको इसके डैम्प हेयर में अप्लाई करना है या ड्राई हेयर में अप्लाई करना है, बट यूजुअली जो इस टाइप के सीरम होते हैं उन्हें डैम्प हेयर में ही अप्लाई किया जाता है। और मैंने बालों को वॉश कर लिया, शैम्पू कर लिया है एंड कंडीशनर आज नहीं अप्लाई की क्योंकि मैंने ऑयल किया था। एंड जब भी मैं ऑयल करती हूँ मोस्टली तो मैं कंडीशनर स्किप कर देती हूँ क्योंकि पहले ही बता दूँ कि जो मेरे बालों का टेक्सचर है वो एक्सट्रीमली ड्राई एंड फ्रिजी नहीं है, विंटर सीजन चल रहा है तो थोड़े सा ड्राई एंड फ्रिजी है एंड आई थिंक ये बेस्ट टाइम है इस सीरम को टेस्ट करने का। तो बाल जो है वो मेरे डैम्प है, मतलब बिल्कुल वाटर ड्रिप नहीं कर रहा है बालों में से, लेकिन डैम्प है, सूखे नहीं है पूरे तरीके से। तो ईजी एप्लीकेशन के लिए मैं क्या करूँगी कि मैं बालों को अपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी एंड इन्होंने लिखा है फ्यू ड्रॉप्स लेना है, बट मुझे फ्यू ड्रॉप्स नहीं, मैं एक पूरा पंप लेती हूँ एंड एक पंप में लाइक मेरे जो हेयर है, हेयर लेंथ है, वो आराम से कवर हो जाती है। तो मैं एक पंप ले लूँगी इसका एंड काफ़ी इसकी थिक कंसिस्टेंसी है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो आई होप, तो थिक कंसिस्टेंसी है। तो मैं इस तरीके से मेरे पाम्स में अच्छे तरीके से इसको फैला लूँगी एंड एक हाथ मैं इस तरफ घुमाऊँगी एंड एक हाथ को मैं इस तरफ घुमाऊँगी एंड
कीप इन माइंड कि इसको आपको स्कैल्प पे नहीं लगाना है, क्राउन एरिया पे नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ आपके हेयर लेंथ पे एंड एंड्स पे लगाना है। तो जो मिड सेक्शन है आपके बालों का, वहाँ से आपको इसको लगाना है और पूरा एंड्स तक जाना है। तो इस तरीके से जो सबसे ज़्यादा फ्रिजी होता है उस एरिया में मैं इसको अप्लाई करूँगी एंड मैं इस तरीके से फिंगर्स की हेल्प से इसको फैलाऊँगी एंड एक पंप इनफ है। एंड तब तक मैं इसको अच्छे से फैलाऊंगी जब तक जो मेरे हाथ का ग्रीजी, जो मुझे थोड़ा थोड़ा ग्रीजी लग रहा है वो चला ना जाए एंड आराम से स्प्रेड हो जाता है। लाइक मुझे मेहनत नहीं लगती इसको बालों में स्प्रेड करने में एंड अभी थोड़ी देर में अच्छे से मेरे बालों में अब्जॉर्ब हो जाएगा एंड अब मेरे हाथ बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं लग रहे। तो इस स्टेज पर मैं क्या करूँगी कि मैं बहुत हल्के से इस तरीके से हाथ को घुमाऊंगी। मैं स्कैल्प टच नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर के हल्के हल्के बाल है, क्योंकि ठंड के सीजन में जो यहाँ वाले बेबी हेयर होते हैं ना ये भी एकदम अजीब से लगने लगते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ। एंड पहले ही बता दूँ कि जो भी था सब कुछ लगा लिया था मैंने, यहाँ पे हाथ में कोई भी ग्रीजीनेस नहीं थी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अपने हाथों को घुमा रही हूँ। तो बस ये मैंने कर लिया है अप्लाई एंड आगे मैं आपको बताऊंगी कि जो इसके क्लेम्स है वो अपने क्लेम्स पर कितना खरा उतरता है। ओके, तो बात कर लूँ अगर मैं एक्सपीरियंस की, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैं इसको 7-8 बार यूज़ कर चुकी हूँ और आपने डेमो में ही देखा कि एक पंप से ज़्यादा मुझे नहीं लगता है मेरी लाइक हेयर लेंथ को कवर करने के लिए। तो ये मुझे अच्छी चीज़ लगी कि थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है एंड काफ़ी अच्छे से बालों में लाइक स्प्रेड हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है। और अच्छी चीज़ की जो उन्होंने लिखा है कि बालों को लाइक लाइट वेट रखता है, तो यस रियली वे लाइक हेयर आपको हैवी नहीं फील होंगे। एक दो हेयर सीरम मैंने पहले यूज़ किए थे पैराशूट का, पैटीन का, अगर आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा ले लिया तो हेयर काफ़ी हैवी फील होते हैं, बट इसमें बाल हैवी नहीं फील होते, लाइट वेट रहते हैं टेक्स्चर बालों का। बट अगर जो इनके मेन क्लेम्स है जिसके लिए कोई भी हेयर सीरम खरीदेगा वो है फ्रिज फ्री हेयर, स्मूथ एंड शाइनी हेयर, डीप कंडीशनिंग। तो डीप कंडीशनिंग की बात करूँ, आई डोंट थिंक कि कोई भी हेयर सीरम डीप कंडीशनिंग कर सकता है बालों की। एंड ऐसा मुझे कुछ खास लगा भी नहीं कि इसने कुछ बालों की डीप कंडीशनिंग करी है। एंड फ्रिज फ्री स्मूथ एंड शाइनी हेयर की बात कर लूँ, तो वैसे अगर आप मेरे पुराने व्यूअर होंगे तो आपको मालूम होगा कि मेरे जो हेयर है वो एक्सट्रीमली ड्राई एंड फ्रिजी नहीं है। थोड़ी सी जो मेरी हेयर लेंथ है ये थोड़ी सी ड्राई एंड फ्रिजी है, स्पेशली जो मेरे एंड्स और अभी विंटर सीजन चल रहा है तो अभी तो थोड़े से ज़्यादा ही लगते हैं। फिर भी मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं गर्म पानी से हेयर वॉश वगैरह ना करूँ, फिर भी जो है हेयर थोड़े से ड्राई एंड फ्रिजी हो जाते हैं। तो अगर मैं फ्रिज को कंट्रोल करने की बात करूँ तो आई डोंट थिंक कि इसको यूज़ करने से लाइक मेरे बालों के फ्रिज में कोई कमी आती है, फ्रिजीनेस को ये टेम डाउन करता है। और स्मूथ एंड शाइनी हेयर की बात करूँ तो मैंने लगाया ही, आप खुद ही देख लीजिए कि बाल मेरे कितने स्मूथ एंड शाइनी लग रहे हैं। बिल्कुल भी ये बालों को स्मूथ एंड शाइनी नहीं बनाता है, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मेरा ओरिजिनल हेयर टेक्स्चर है, लाइक जैसे मेरे बाल देखने में लगते हैं थोड़े से फ्रिजी एंड जो भी स्मूथ शाइन जो उनकी नेचुरल है वो ही रहती है। ऐसा नहीं कि इसको मैंने लगा लिया तो बाल मेरे कुछ एक्स्ट्रा फ्रिज फ्री हो गए या स्मूथ हो गए या शाइनी हो गए, तो मुझे तो ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं नज़र आता है। जब जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ मेरे हेयर टेक्स्चर लाइक पहले की तरह ही रहते हैं, बिफोर एंड आफ्टर सेम ही रहता है, ऐसा कुछ डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आया। सो या फाइनली मैं यही कहना चाहती हूँ कि खादी का ये जो हेयर सीरम है ये मेरे हेयर के लिए काम नहीं किया, मेरे बालों के फ्रिज को ये कंट्रोल नहीं करता, उन्हें मैनेजेबल नहीं बनाता, सॉफ्ट स्मूथ नहीं बनाता है। तो फॉर मी इट डिडंट वर्क। अगर आपने इसको यूज़ किया है तो आपको ये कैसा लगता है मुझे प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि सबका हेयर टाइप अलग अलग होता है तो प्रोडक्ट भी सबके लिए अलग अलग काम करते हैं। बट अगर मेरी रिकमेंडेशन पूछोगे तो मैं ये हेयर सीरम रिकमेंड नहीं करूँगी। लाइक ये बुरा प्रोडक्ट नहीं है, इट्स एन ओके प्रोडक्ट, लाइक यू कैन लिव विदाउट इट। ऐसा नहीं है कि हेयर सीरम की दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें जो आप मिस कर रहे हो, इसको आप जाके खरीदो तो आपके बाल बिल्कुल स्मूथ शाइनी एंड फ्रिज फ्री हो जाएंगे। ऐसा मुझे कुछ भी इसके रिजल्ट्स में खास नहीं लगा, तो मेरी तरफ से मैं इसको नहीं दूंगी। सो या ये था आज का वीडियो। ऑल्सो एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि काफ़ी फैक्टर्स पे चीज़ें डिपेंड करती हैं, कोई प्रोडक्ट आपके हेयर के लिए काम कर रहा है नहीं, आपने शैम्पू के पहले ऑयलिंग करी है या नहीं, आपने कोई हेयर मास्क लगाया हुआ था या नहीं, आपने कंडीशनर लगाया हुआ है या नहीं, तो आपके हेयर का टेक्स्चर कैसा है वो आप ही बेस्ट जानते हो। मेरे हेयर के लिए ये काम नहीं किया है। सो या ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, उनके साथ ज़रूर शेयर करेगा जिनकी इस वीडियो से हेल्प हो सकती है। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेगा इस तरीके के ढेर सारे वीडियोज़ देखने के लिए। और यार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपने इसको यूज़ किया तो आपको कैसा लगा और आगे आप किन हेयर केयर प्रोडक्ट्स का वीडियो देखना चाहते हो। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड चेयर।